एक गोरी कुंड पर बैठकर तप करा, एक गोरी कुंड पर बैठकर तप करी है, और तप करने से भगवान शंकर को प्राप्त करा है, शिव को प्राप्त करा है, और अब की बार जन जा रही है वो गोरी कुंड पर श्रृंगार करने के लिए। और चली, कितना सुंदर भाव कहा है महाराज जी, सत्संग ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, रुक्मणी जी को नारद जी ने सत्संग कराया था, भगवान कृष्ण मिल गए थे। पार्वती जी को भी नारद जी ने सत्संग कराया था, जन्म लिए, और नारद जी ने कह दिया इस अगर ये इसको पति मिलेगा, भस्मी रमाने वाला, जटा जूण बांधने वाला, मृग जाला पहनने वाला, इसको पति मिलेगा, ऐसा अड़भंग मिलेगा, अगर ये चाहे तो शिव की आराधना करे। बस सुन लिया था, इसलिए सत्संग ने मेरी बात चला, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई। अब गुरु को बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति शंकर में लगा दो शिव। उस गोरी कुंड में पुरुष नहीं नहा सकता, आचमन नहीं कर सकता, स्पर्श नहीं कर सकता जल को, और इस गोरी कुंड में सब स्नान कर। क्यों? क्योंकि यहां माने श्रृंगार करा था अपने परमात्मा के लिए, अपने पति शिव के लिए। इस गोरी कुंड में जो स्नान करता है उसको शंकर का दर्शन हो ही जाता है। यह गोरी कुंड, ये वो गोरी कुंड। उस गोरी कुंड में जहां पर गंगा का जल देखते ही मां उफान में जाती है, उसका जल शीतल है, और केदारनाथ जी जाते हैं और जो गोरी कुंड पड़ता है उसका जल गर्म है। महाराज गर्म जल, महाराज श्रृंगार किया, माने विवाह की तैयारी।